सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा, और आधार पूनावाला क्यों भारत छोड़कर चले गए, और वो भारत कब आएंगे, और इससे क्या सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन प्रोडक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए अभी दुनिया में कई तरह की वैक्सीन है, हर वैक्सीन की अलग अलग खासियत है। नोवावैक्स वैक्सीन जो है इसे यूएनओ खरीदेगा और अफ्रीका के गरीब देशों को देगा। मॉडर्ना और फाइजर अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया। अभी वर्ल्ड वाइड ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। इसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड शील्ड नाम से बेच रही है, यही सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन जरूरी है अभी, लेकिन स्पुतनिक रूस की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है, स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन दुनिया में सबसे जल्दी तैयार की गई वैक्सीन थी। हालांकि ये सारी वैक्सीन और भारत की जो भारत की जो बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन है, ये कई तरह के म्यूटेशन पर काम कर रही है। जितने भी वैक्सीन है सब अच्छे काम करते हैं, बसते बस चाइना वाला जो सिनोवैक्स है उसको छोड़कर। पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है पुणे में, आधार पुणे वाला की कंपनी। ये वैक्सीन जो है आरएनए वायरस पर काम कर आरएनए टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये जो है वैक्सीन जो है ये कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उसको जाके यहाँ से लॉक कर देती है। ये लॉक जब हो जाता है, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे वैक्सीन काम करता है, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो ये लॉक कर देती है, तो इसका जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये लॉक हो जाएगा तो एंट्री नहीं कर पाता ये अंदर, और कई सारे एंटीबॉडी बनाकर ये लॉक करने में कामयाब होती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये आरएनए वैक्सीन 80% तब कारगर होगी जब आप 42 से 56 दिन का गैप करके लेंगे। तो इस वैक्सीन की एक खराबी क्या है, बहुत बाद में पता चला कि 28 दिन पर लेने पर यह केवल 54% कारगर है। अब कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये वैक्सीन ले रखी थी और दोनों डोज ले रखी थी, फिर भी उन्हें क्यों कोरोना हो गया। देखिए भाई, ये वैक्सीन अगर आप 28 दिन पर लेंगे तो ये 54% ही कारगर है, लेकिन अगर आप इसे 56 दिन पर अंतराल पर लेते हैं तो ये 80% कारगर है। तो भारत सरकार जब शुरू में जब ये जनवरी में वैक्सीनेशन चालू हुआ था तो डॉक्टरों को जो डोज लगाए थे वो 28 दिन पर लगाए थे, जिस वजह से ये उनमें उतना इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए भारत सरकार ने बाद में इसके डोज को डेट को 42 से 56 दिन कर दिया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपकी तरह घर में नहीं बैठे रहते हैं डॉक्टर, दिन रात वो कोरोना के मरीजों के बीच में घूमे रहते हैं। बेचारा उनकी जिंदगी सोचिए ना, किस तरह से वो रह रहे होंगे, आगे पीछे चारों ओर कोरोना है उनके, तो वो बहुत हाईली पैक है कोरोना वायरस से। वो समाज और हवा के बीच में नहीं रह रहे हैं, वो कोरोना वायरस के बीच में रह रहे हैं, हद है सोचिए इतना। तो उनकी तुलना आप अपने से नहीं कर सकते। तो ये रहा बात। तो आप लोग जितने लोग कोविशील्ड लेंगे उसमें अब देखिएगा, आप लोग में 42 दिन का गैप दे रहा है, 42 दिन के गैप 42 से 56 दिन के बीच में अगर आप ले लेते हैं तो ये 80% आपको सुरक्षा प्रदान कर देती है। भारत बायोटेक और ICMR द्वारा निर्मित भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जो है ये भी बहुत ज्यादा असरदार है। हालांकि इसे तो कहा जा रहा है कि ये मतलब कई सारे वेरिएंट को अच्छे से, डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट, उनको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। ये आरएनए वायरस ना होकर ये जो है वायरस को ही कमजोर करके बनाया गया है। जो लाइव वायरस होते हैं उन्हें कमजोर करके इंजेक्ट किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि कई मात्रा में इसमें एंटीबॉडी बनते हैं। इस वैक्सीन के साथ एक अच्छाई ये है कि इसे अगर आप 28 दिन के गैप पर भी ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। इसके दोनों डोज के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए और आपको 80 से 85% तक आपको सिक्योरिटी दे देती है। जबकि अगर आपको 80% सुरक्षा चाहिए कोविड शील्ड से तो आपको लगभग 42 से 56 दिन रुकना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत का अंतर नहीं है, बस ये जो चीज़ आपको 28 दिन में देगा उसी चीज़ को वो कोविड शील्ड जो है जो बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है वो 42 से 56 दिन टाइम लगा देता है। अमेरिका के जो वहाँ के स्वास्थ्य सचिव हैं एंथोनी फाउची, इन्होंने क्या कहा है कि भारत की जो बनी हुई कोवैक्सीन है ये काफ़ी हद तक प्रभावी है अलग अलग म्यूटेंट्स को रोकने के लिए। तीसरी वैक्सीन जो भारत में आई है वो है रूस की बनाई हुई स्पुतनिक वैक्सीन। ये सबसे फास्ट बनाई गई वैक्सीन है। इस वैक्सीन में अलग अलग दो वायरसों का प्रयोग किया गया है और उन्हें कमजोर करके डाला गया है। इस वैक्सीन में है लगभग 91% ये ज्यादा हमें 91% सुरक्षा देती है, लेकिन ये सबसे फास्ट काम करती है। आपको 56 दिन चाहिए कोविशील्ड के लिए, 28 दिन चाहिए आपकी कोवैक्सीन के लिए, और ये 21 दिन में ही उतना ही असर दे देती है। तो ये बहुत फास्ट करती है इसके दोनों डोज। लेकिन इसमें खराबी क्या है कि इसका पहला डोज जो है वो दूसरा दवा है और सेकेंड डोज है वो दूसरा है। बाकी जितने भी वैक्सीन है उसमें क्या है कि जो फर्स्ट डोज है वही ही सेकेंड डोज है, दवाओं का अंतर नहीं होता है। जबकि स्पुतनिक में ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट डोज लगेगा सेकेंड वाले को दूसरा डोज लगेगा। उसमें दो अलग अलग वायरस का यूज़ किया गया है इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप किया जा सके। तो भारत में अभी यही तीन वैक्सीन आप में अवेलेबल है।
फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार है, बट इसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर -70 पर रखने पर इतना हम लोग के पास अभी वो उस तरह का कोल्ड चेन हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। रही बात कौन सी वैक्सीन लगाइएगा, तो आपको इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियाँ जो लेंगी वो सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड को ही ले रही हैं। अभी जो स्पुतनिक है इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ 6 कंपनियों को कहा है स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन करने के, क्योंकि सरकार को भी पता है कि वैक्सीन का उत्पादन बहुत तेजी से करना जरूरी है। तो आपके पास 3 वैक्सीन है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, आपको तीनों की तीनों वैक्सीन आपको बचाएगी। हाँ, बस अंतर यह है कि स्पुतनिक आपको 21 दिन में जितनी सुरक्षा देगी, भारत की बनी कोवैक्सीन उसे 28 दिन में देगी, और जो कोविशील्ड है वो आपको 42 से 56 दिन का उतना ही समय लेगी। बस समय का अंतराल है। अब जैसे मान के चलिए अभी सिचुएशन बहुत वो है, मतलब डेंस है, बहुत तेज कोरोना बढ़ रहा है, तो अगर आप एक डोज भी ले लेते हैं वैक्सीन की, एक डोज भी, तो आपको ये कारगर होगी, लेकिन डबल डोज इतना कारगर नहीं होगी। वैक्सीन जो है ये आपको इस बात की कभी गारंटी नहीं देती है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, बहुत कम चांस है आपको होगा। जैसे 17 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया था तो उसमें मात्र 6,000 लोगों को कोरोना हुआ था, तो कितना छोटा सा आंकड़ा है, 17 लाख लोगों, और उसमें से भी जान नहीं जाती है वो। अब जैसे कुछ डॉक्टर की जान चली गई, तो देखिए डॉक्टर्स में बताए ना आपको कि वो दिन रात कोरोना के बीच में रहते हैं, आप दिन रात कोरोना के बीच में नहीं रहते, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन लगाइए, ये केवल यही करेगी कि आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की नौबत नहीं आने देगी, आपको कोरोना होगा नॉर्मल खांसी बुखार की तरह होगा, फिर सही हो जाएगा। आज हम भी अपना वैक्सीनेशन करा लिए, हम जो वैक्सीन लगाए वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला कोविशील्ड लगाए, अपने सारे स्टाफ लोग को भी हमने यही लगाया। लोग कहते हैं कि बुखार आता है, ये होता, हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब से वैक्सीन लगाए हैं तब से हम पैरासीटामोल की ये 5 रुपये की 5 गोली खरीद के रखे हुए हैं, अब तक कोई बुखार आया नहीं है, ना कोई सर दर्द हुआ है, ना कुछ हुआ है, नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है वैसे ही हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। कुछ किसी किसी को नॉर्मल बुखार आता है, तो भैया आपके पास 1 रुपया नहीं है बुखार के लिए, आप दवा खरीद लीजिए, नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सो जाइए, एक दिन बाद बुखार उतर जाएगा, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा जाता है। बुखार सरदर्द ये तो नॉर्मल ऐसे भी हो जाता है, इसलिए अफवाह में मत पड़िएगा। जब हम सुबह वैक्सीन लगाने के लिए निकल रहे थे तो एक चाचा मिल गए हमको, वो कह रहे हैं कि सुनिए खान साहब, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, आप वैक्सीन लगा लेंगे ना तो बहुत घातक असर होगा, किडनी खराब हो जाएगा, 1 साल बाद इसका असर दिखने लगेगा, नपुंसक हो जाएंगे लोग। अरे भाई साहब, अब हम उस चाचा को क्या समझाएं जो कभी कॉलेज स्कूल वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये लोग किसी काम लायक नहीं होते। गांव में कुछ कुछ होते हैं हमेशा खकोड़ते हैं, उन सबको ताजमहल में ले जाइएगा तो कहेगा ऐसे नहीं है, उल्टा करता तो ठीक रहता, ताजमहल सफ़ेद ठीक नहीं, उसको काला कर देता ठीक रहता, ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये लोग किसी काम के नहीं रहते। हर जगह ऐसे ऐसे 2-4 को चाचा मिलते रहते हैं जो विरोध करते रहते हैं हर चीज़ का, वैज्ञानिक ही चाचा लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई जान लेने के लिए ऐसा कुछ करेगा। और एक और अफवाह उड़ रहा है कि 5G का जो ट्रायल हो रहा है उसके वजह से जान चली जा रही है, एकदम अफवाह है भैया। 5G का ट्रायल महाराष्ट्र और दिल्ली के एरिया में बहुत छोटे से एरिया में हुआ, वो भी कोविड से पहले हुआ था वो ट्रायल वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि सरकार चिल्लाते रह जाए, यहाँ डॉक्टर चिल्लाते रह जाए कि वैक्सीन लीजिए, ये रातों रात नहीं बनता है, लेकिन 5G के ट्रायल की वजह से जान जा रही है। ये ऐसा नहीं है, जो नया वायरस आया है ना, डबल म्यूटेंट है ये, उससे ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये ज़्यादा सीरियस डाल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला जो कोरोना था 7 दिन में फेफड़ों को जितना नुकसान करता था, ये कोरोना 2 दिन में ही उतना ही कर दे रहा है, इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है, मौका नहीं दे रहा है ये वाला कोरोना, इसको 5G से कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए अगर आपकी जान प्यारी है, तब इसराइल जो है आप देखिए, इसराइल ने अपने आप बहुत बड़ा त्यौहार भी मना लिया जिसमें 1.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, इतने लोग इकट्ठे थे कि भगदड़ में 30 लोग की जान चली गई। कैसे ये पॉसिबल हो गया, हम लोग यहाँ घर में घुस के बैठे, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन में कोई ऐसा नहीं है। सोचा कुछ कुछ जो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला रहे, सोचा को जेल में डाल देना चाहिए, सचरों को यहाँ पे अजीब अजीब है सर, अफवाह पे मत जाइए। देखिए बचपन में भी हम लोग को बहुत अफवाह उड़ाया गया था कि मेढक मार दोगे तो कान पक जाता है, कौन सी कान पकेगा, स्कूल जाते थे लोग तो कहते थे पेंसिल का ये जो छिलका होता है इसको दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को हम लोग चौक खिलाते थे लोग, अजीब हालत है यहाँ पे, कहते बर्तन में खाना मत खाओ जिसमें बनता है, नहीं तो शादी में बारिश होने लगेगी, सूप जो चावल फट कर जाता है आगे मत जाओ नहीं तो देर से ब्याह होगा या फिर दहेज नहीं मिलेगा, बगुला उड़ के जाएगा तो बगुला तार दे सोने के तलवार, ये सब क्या था, ये सब अफवाहें थी। तो हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही आदत है कि गुल्लर के फूल पड़ जाता है तो कोई चीज़ खत्म नहीं होता, ये सब अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वैक्सीन कारगर है। हमारे भाई साहब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, उसके मालिक आदार पुणे वाला,
इन्होंने भारत छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए कुछ दिन के लिए। रीजन इन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्रियों, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों, अधिकारी तथा बड़े रसूख वाले लोग इनको फ़ोन करके धमकी देते थे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे और ये लंदन शिफ्ट हो गए। और इन्हें पत्रकारों ने पूछा कि आप इस बढ़ते कोरोना को ले किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्या आप चुनावी रैली या कुंभ के मेला को जिम्मेदार मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसका जवाब देंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ये देश के लिए बहुत गलत बात है। कोई भारत का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके ऊपर पूरे देश की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी, लोगों की जान की जिम्मेदारी होगी, वैसे व्यक्ति को अगर सुरक्षा कारणों से बाहर जाना पड़े और बाहर जाके वो ट्वीट करे या ऐसा करे, तो ये बहुत गलत संदेश जाता है देश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार ने उन्हें वाई सुरक्षा दी थी। ये बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति को वाई सुरक्षा दिया जाए। इनके लिए इस देखिए सुरक्षा का के लिए ये केवल ये नहीं होता कि उसे जान से खतरा, सुरक्षा एक डिग्निटी, एक स्पेशलिटी को भी दर्शाता है, जो दिखाता है कि देश आपके सम्मान के लिए कितना खड़ा रहता है। आप एक मामूली नेताओं के लिए अगल बगल में बड़े बड़े सिक्योरिटी दे सकते हैं, इतने बड़े लोगों को नहीं दे सकते। ये लंदन चले गए। अब कुछ लोग का कहना है कि क्या वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रभावित होगा? कुछ प्रभावित नहीं होगा। किसी के ये खुदे थोड़ी ना वैक्सीन बनाते थे, इनके अंडर काम करने वाले वो पूरी तरह से बनाएंगे। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मार्च में हमें ऑर्डर ही कम दिया, तो खरीदने वाली कंपनी तो गवर्नमेंट थी, हम बना के क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा ही नहीं। और आप याद कीजिए कि सीरम इंस्टीट्यूट में एक बार आग लग गया था, तो एक तो उस समय प्रोडक्शन प्रभावित हुआ था, एक अभी वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो 7 करोड़ डोज पर डे बना रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरा करने के लिए इनका टारगेट है कि 10 करोड़ वैक्सीन के डोज पर डे बनाए जाए। अब 10 करोड़ बनाने में इन्होंने कहा है कि जुलाई तक में ये संभव नहीं है, यानी मई जून जुलाई, ये 3 महीने तक पर डे 7 करोड़ ही वैक्सीनेशन के मतलब वैक्सीन उत्पादन हो पाएगा, जुलाई बाद आएगा, इसलिए इस समय थोड़ी सी लेट होगी। हालांकि इन्होंने कहा कि इसका जो बाहर में भी एक प्लांट लगाएंगे सीरम इंस्टीट्यूट का, जिससे कि मतलब वैक्सीन और भी डोज बनाए जा सके। हालांकि भारत सरकार इनके संपर्क में है, बहुत जल्दी ये भारत में आने वाले हैं। और इंग्लैंड में ये प्लांट नहीं लगाएंगे, भैया आपको लगाना भी है तो फ्रांस में लगाइए ना, इंग्लैंड में लगा के क्या फ़ायदा है? क्योंकि इंग्लैंड में लगाएंगे तो इंग्लैंड तो यूरोपीय यूनियन के बाहर है, यूरोपीय यूनियन के दो देश बाहर है, उसको यूरोपीय यूनियन के अंदर बेचने के लिए फिर नए टैक्सेशन कानून लाना पड़ता है। और अगर वही फ्रांस में लगा देते हैं तो पूरा यूरोपीय यूनियन फ्रांस भी उसी का हिस्सा है। हालांकि ये भारत में ही लगाएंगे, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि भारत सरकार इन्हें आश्वासन दिए है सुरक्षा के लिए। हमारे देश में 12वीं फेल लोगों के लिए इतनी सुरक्षा दी जाती है, आप सोच सकते हैं? कमांडो गिनी है यहां पे सिक्योरिटी, आप कुछ गिन नहीं सकते कितने गनर लोग आगे पीछे लगे रहते हैं। तो सोचिए सीरम इंस्टीट्यूट के जो आधार पूना वाला है, उनसे गलती हो गया, उन्हें हमारी दीदी से सीखना चाहिए, हमारी बहन से सीखना चाहिए कि अगर आप 12वीं फेल रहते ना तो आपको ज्यादा सुरक्षा दिया जाता, क्योंकि यहाँ बताइए ऐसे ऐसे लोग को इतना सुरक्षा दिया जा रहा है जबकि जिनके जान पर कोई खतरा नहीं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती हैं, इनको खतरा अपने स्टेटमेंट की वजह से, उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, अब बंगाल चौपट हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब 10 साल से वही शासन कर रही थी, 5 साल में और कुछ ना होने वाला है, इलेक्शन वगैरह को गोली मारना चाहिए। हाँ ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अगर हार जाती तो बंगाल अमेरिका हो जाता, नासा का हेड ऑफिस बंगाल में आ जाता, यूएनओ का ऑफिस बंगाल में चला आता, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य मिल जाता, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन कलकत्ता में स्थापित हो जाता, शायद भारत की राजधानी वापस कलकत्ता शिफ्ट कर दी जाती। अगर ममता बनर्जी हारती तो बंगाल वालों तुम लोगों ने हरवा दिया, हम मेरी दीदी की बात माने रहते तो आज बंगाल अमेरिका हो जाता, पूरी अमेरिका सिंगापुर सब पीछे हो जाते बंगाल से, बंगाल इतना डेवलप करता कि भारत से भी आगे चला जाता। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी 12वीं फेल दीदी के लिए इस तरह से हम लोग स्कॉट की व्यवस्था रखें और चारों ओर से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमारी दीदी को ले जाया जाए, क्योंकि भारत उनके बिना अधूरा है, वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक है। है कोई वैज्ञानिक में इतना पावर जो 12वीं फेल होने के बावजूद इतना सम्मान ले सके? हमारी दीदी के लिए कमांडोज लगने चाहिए, ये जेट प्लस सुरक्षा से काम नहीं चलेगी। यहाँ पर हमारी दीदी के लिए एनएसजी कमांडो आना चाहिए, मार्कोप्स आने चाहिए, गरुड़ कमांडो आने चाहिए। ये कमांडो अगर हमारी दीदी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा? और स्पेशली हम मांग करते हैं एयरफोर्स से कि जहाँ जहाँ हमारी 12वीं फेल दीदी चले वहाँ आगे आगे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स चलने चाहिए। हेलीकॉप्टर किस दिन काम आएंगे? और स्पेशल अनुरोध है कि अलग से 5 रफाल जहाज मंगाए जाए और जहां जहां हमारी दीदी जाए उसके आगे आगे ये रफाल जहाज उनकी सुरक्षा में लगे। इसरो को कुछ नहीं कर रहा, इसरो को तुरंत एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहिए और उस सैटेलाइट से स्पेशल सैटेलाइट होना चाहिए उनके लिए, ताकि उनकी निगरानी हो सके।
इतने सम्मानित व्यक्ति जिन्हें इतने नेशनल अवार्ड मिले गए हैं उनको केवल जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी? बताइए, ये जरूरी है? सीरम इंस्टीट्यूट वाले को, आधार पूना वाले को बहुत जरूरी है, को सिपाही दे दीजिए, बहुत हो गया यहाँ पर। आप बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या हमारी दीदी को इतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनके बिना देश अधूरा हो जाएगा, उन्हें सुरक्षा